लंबी घनी खूबसूरत बाल पाना कौन नहीं चाहता है आज के टाइम पे। हर कोई चाहता है उसकी बाल लंबी घनी खूबसूरत हो, हेल्दी हो, हेयर फॉल बिल्कुल ना हो। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को करने के लिए लोग न जाने कितने तरह के ब्रांड्स की चीज़ों को यूज करते हैं अपने हेयर्स पे, लेकिन कुछ टाइम तक तो आपके हेयर उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद सिल्की शाइनी स्मूथ होते हैं, हेयर फॉल रुक जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसे लगाना बंद करते हैं तो आपका हेयर फॉल फिर से शुरू हो जाता है, हेयर डैमेज हो जाते हैं, हेयर की ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे पास इतनी सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, अगर हम उसको ठीक से इस्तेमाल करते हैं तो हमारे हेयर सिल्की शाइनी स्मूथ होंगे, जड़ से मजबूत होंगे, लंबे घने भी होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रॉन्ग हेयर रेमेडी शेयर करूँ जिसे लगाने से आपकी हेयर बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे, लंबे घने मजबूत रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूँ आपकी दोस्त शीतल शर्मा। आज मैं आपके लिए लेके आई एक ऐसी हेयर रेमेडी जिसे लगाने से आपके हेयर जड़ से मजबूत, लंबे घने हो जाएंगे। हेयर की ग्रोथ रुक गई है तो हेयर की ग्रोथ होना बहुत तेजी से स्टार्ट हो जाएगी, हेयर रीग्रो करेंगे, हेयर फॉल तो बिल्कुल रुक जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। आपको लेना है आलू, ठीक है? आलू को आपको अच्छे से वॉश कर लेना और इसका पील को निकाल देना है, फिर इसे आपको कस लेना है और इसका जूस निकाल लेना है। आलू में फ्रेंड्स इतनी सारी विटामिन होती हैं, विटामिन ए, बी, सी, जिंक, आयरन, नियासिन होता है, ये हमारे बालों के लिए रामबाण है, ये समझ लीजिए। आलू हमारे हेयर के लिए रामबाण है। अगर आपकी हेयर की ग्रोथ रुक गई है तो आप सिर्फ आलू का रस लगाकर छोड़ दीजिए, आपके हेयर की ग्रोथ होना बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगी, ये बालों को हेल्दी बनाता है। अब इसमें हम दूसरी चीज़ ऐड करेंगे, वो है एलोवेरा जेल। तो यहाँ पे मैंने नेचुरल एलोवेरा लिया है, एलोवेरा लीफ। आपको इसका जेल निकालना है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल भी ले सकते हो। इन दोनों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। एलोवेरा हमारे हेयर को सिल्की शाइनी स्मूथ बनाता है और हेयर की ग्रोथ रुक जाती है, उसे बहुत ही से करता है, हेयर को रीग्रो करता है, हेयर फॉल रुक जाता है। ये बहुत ही पावरफुल हेयर रेमेडी है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अब इसमें हम तीसरी चीज़ ऐड करेंगे, वो है कैस्टर ऑयल, ठीक है? आधा चम्मच हम इसमें कैस्टर ऑयल ऐड करेंगे। अगर आपके हेयर को सूट नहीं करता है या आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं, आधा चम्मच आप वो यूज़ कर लीजिए इसमें, ठीक है? लेकिन आधा चम्मच ही आपको लेना है। कैस्टर ऑयल हमारे हेयर को रीग्रो करता है, हेयर फॉल को रोकता है, हेयर को जड़ से मजबूत बनाता है। इन तीनों को आपको अच्छे से मिक्स करना है। फिर तीसरी चीज़ इसमें आपको ऐड करनी है, वो है विटामिन ई का कैप्सूल, ठीक है? विटामिन ई हेयर को सिल्की शाइनी स्मूथ करती है, हेयर एकदम डैमेज से हो जाते हैं ना, तो उसको रिपेयर करने का वर्क करता है विटामिन ई का कैप्सूल। हेयर रीग्रो होते हैं और हेयर की ग्रोथ तो बहुत तेज़ी से होती है। जब ये चारों चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो एक पावरफुल हेयर रेमेडी बनकर तैयार हो जाती है। अगर फ्रेंड्स आप इस रेमेडी को हफ्ते में एक बार भी अपनी हेयर्स में अप्लाई कर लेते हो तो एक बार में ही इसका आपको इफेक्टिवल रिजल्ट मिल जाता है। आपको इसे हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना है और लगाकर छोड़ देना है 1 घंटे के लिए। फिर आपको अपने हेयर वॉश कर लेने, जो भी शैम्पू आप यूज करते हो उस शैम्पू से आपको बहुत ही गजब का रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। से लगाने से आपके हेयर बहुत ही इसे ग्रोथ करेंगे, रीग्रो करेंगे, हेयर फॉल तो बिल्कुल रुक जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का जो बटन है इसे प्रेस करें, इससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू। अपना फीडबैक जरूर मेरे साथ शेयर करना। बाय, थैंक यू।